अभी हम सीकर ज़िले के धौद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद हैं। यहाँ पे ये जो एरिया है ये एक तरह से जाट डोमिनेटेड इलाका है और यहाँ पे जो लाइवलीहुड का सोर्स है वो लोगों का मेनली जो लाइवलीहुड का सोर्स है वो खेती है, एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर के अपने बहुत बड़े इश्यूज पूरे कंट्री में चल रहे हैं। यहाँ से तीन कैंडिडेट हैं जो रेस में हैं, जिनके बीच एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ से कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी तीनों के कैंडिडेट्स हैं और तीनों के बीच एक ट्रायंगुलर फाइट है। अभी हमारे साथ यहाँ के इस क्षेत्र के मुद्दे पे बात करने के लिए मौजूद हैं पेमा राम, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट हैं। हम उनसे जानेंगे कि कितनी उम्मीद है उनको अपनी सफलता की। क्या वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों से आप जनता के बीच जा रहे हैं? दरअसल ये जो धोद विधानसभा क्षेत्र का इलाका है, ये इलाका अमूमन खेती से जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। अमूमन खेती करके अपना जीविकोपार्जन करने का काम करते हैं। नौकरी पेशा, फैक्ट्री वगैरह यहाँ कम है। ऐसी सूरत में खेती करने वाले किसान के जो भी समस्याएं आई, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने किसान की एकता बना करके सरकारों के खिलाफ संघर्ष करने का काम किया और उसी का परिणाम है कि उसमें किसान को राहत मिली है। जैसे राजस्थान हमारे भारत देश का पहला प्रांत है जहाँ ये निजीकरण की नीतियों के बाद बिजली की जो टेरिफ बढ़ी, रेट बढ़ी एग्रीकल्चर के कुओं की, हिंदुस्तान में पहला प्रांत है जहां रेट वापस विड्रा करनी पड़ी। इसका सबसे बड़ा कोई कारण है तो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी या अखिल भारतीय किसान सभा ने पूरे के पूरे राजस्थान के किसान की एकता बना करके जहां 163 विधायक लेकर के भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनी थी, जहाँ 40 विधायक विरोध में थे कांग्रेस समेत, वहाँ वो कोई नहीं बोल पाया। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का एक भी विधायक नहीं होने के बावजूद भी जनता की एकता की ताकत थी कि सारी की सारी जगह राजस्थान में लगभग 15 से 16 लाख के बीच में एग्रीकल्चर के कनेक्शन है। सारे के सारे किसान अपने खुद के परिवार के माँ बहनों के साथ, महिलाओं के साथ मैदान में आ गया और उसका परिणाम था कि राजस्थान की वसुंधरा जी की सरकार को बिजली की रेट, बिजली का लोड और BCR के नाम पर लूट, इस तरह की जो लूट बचा रखी थी वो लूट बंद करनी पड़ी और उसी का परिणाम है कि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जनाधार बढ़ता गया। और दूसरा, इसमें जहां मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किसानों को भाव मांगने के सवाल पे जब गोलीकांड किया, उस गोलीकांड का जो ही हम विरोध कर रहे थे, उसके बाद यहाँ पर कर्जा माफी, भाव का सवाल और पशुओं की बिक्री का सवाल, टोल मुक्ति राजस्थान और वृद्धावस्था पेंशन, इन सवालों को लेकर के यहाँ पे जो संघर्ष किया, उस संघर्ष का परिणाम है कि राजस्थान पूरे देश भर का पहला प्रांत है जहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लगभग 29 लाख किसानों को 8,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया राजस्थान की सरकार को माफ़ करना पड़ रहा है। और जो कांग्रेस पार्टी विरोधी के रूप में जिसका धर्म बनता था, जिसका कर्म बनता था, जिसका फर्ज बनता था, सड़क से लेके विधानसभा तक राजस्थान में चाहे किसान का सवाल आया, चाहे नौजवान की नौकरी का सवाल आया, चाहे विद्यार्थी की एजुकेशन का सवाल आया, चाहे महिलाओं पे उत्पीड़न का सवाल आया, यहाँ इस इलाके में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने जनता की एकता बना करके संघर्ष किया और संघर्ष की ताकत पर सरकार को झुकाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी ये चाह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जितना जुल्म करेगी जनता पे, जितनी अन्याय करेगी जनता पे, आने वाले विधानसभा के चुनाव में बिन मांगे हमको वोट मिल जाएंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी की सरकार ने जनता के साथ अन्याय किया, जुल्म किया। उन जुल्मों के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने पूरे राजस्थान के किसान की एकता बना करके संघर्ष किया और संघर्ष में भारी संख्या में लोग खड़े हुए और उसी का परिणाम था कि राजस्थान की सरकार को झुकना पड़ा और राजस्थान के किसान को अपनी मांगों को मनवाने के लिए विजय श्री मिली। और उसी का मूल आधार है भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ पिछले चुनाव में जो वायदे किए थे, सरकारी कॉलेज खुलाने का, मेडिकल कॉलेज खुलाने का, नौकरियां 15 लाख नौकरियां देने का, काला धन लाने का, ये
वायदे तो अलग बात है, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से लेके दिल्ली तक सरकार होने के बावजूद पीने के पानी की भी समुचित इस धोद विधानसभा क्षेत्र में कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। धोद विधानसभा क्षेत्र में सरकारी कॉलेज खुलवाना तो बाद की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने उसकी चर्चा तक नहीं की। प्याज की मंडी का जो CM ने वायदा किया था, आज दिन तक प्याज की मंडी चालू नहीं हो पाई। इस तरह से एक भी वायदा पूरा नहीं हो पाया। लेकिन एक जो मुद्दा सामने आया है, आपने कर्जा माफ़ी की बात की, तो लोग ये बता रहे हैं कि जो कर्जा माफ़ी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से किसानों ने लोन लिया था वो तो माफ़ हुआ आपके आंदोलन के बाद, लेकिन जो बैंक से अलग अलग बैंक से किसानों ने लोन लिया था वो माफ़ अब तक नहीं हो पाया, उसका बर्डन वो अब भी झेल रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? ये इसका सबसे बड़ा कोई कारण था, तो 13 दिन तक लगातार 10 दिन तक मंडियों में जिला कलेक्ट्रेट पे राजस्थान के 12 13 14 जिलों में किसान बैठे रहे, वहीं पे खाना खाया, वहीं पे सोए, वहीं पे रहे, और 11 सितंबर से लेकर 13 सितंबर 3 दिन तक राजस्थान के प्रत्येक कच्चे पक्के रास्ते माँ बहनों समेत सड़कों पे आए और तमाम राजस्थान को जाम करने का काम किया। फिर 13 सितंबर को समझौता हुआ, अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से अमराराम जी के नेतृत्व में हम 11 साथियों की प्रतिनिधि मंडल था, उधर सरकार की तरफ से कृषि मंत्री प्रभुलाल जी सैनी के नेतृत्व में 4 मिनिस्टर्स की कमेटी थी। हमारी जो वार्ता है वो 2 दिन लगातार वार्ता चली, वार्ता में समझौता हुआ, लिखित में समझौता हुआ, 4 मंत्रियों ने, राजस्थान की सरकार के 4 मंत्रियों ने दस्तखत किया। निर्णय ये हुआ कि जो भी किसान कर्जदार है, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो, चाहे किसी बैंक से ऋण लिया है, सरकार उसका 50,000 रुपये तक का कर्ज माफ़ करेगी, मगर सरकार ने मात्र कोऑपरेटिव सोसाइटी का कर्ज माफ़ करके सरकार ने थूक करके चाटने का काम किया है, समझौता करके वादा खिलाफी करने का काम किया है। आने वाले टाइम में जो बैंक से क्रेडिट कार्ड लेकर के जिन्होंने कर्ज लिया था उनका माफ़ नहीं हुआ, वो ब्याज समेत सरकार को आने वाले टाइम में चुकाएंगे और उस राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को भी चुकाएंगे जिस कांग्रेस ने चुप रह करके इंतज़ार कर रहे थे कि कब भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों पे लाठियां चलाए, कब गोलियां चलाए। वो अभी चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी से भी हिसाब पूछने का काम जनता करेगी और भारतीय जनता पार्टी को ब्याज समेत किए गए समझौते को लागू नहीं करेगी तो उसका भी ब्याज समेत जवाब देने का काम करेगी। आपका सीधा सीधा जो अभी मुकाबला है इस इलेक्शन में वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार से है, बीजेपी के फेवर में एक हवा नहीं दिख रही है क्षेत्र में, लेकिन हाँ कांग्रेस और CPM में यहाँ पे डायरेक्ट फाइट दिख रही है। कितना बड़ा खतरा है, कितना बड़ा थ्रेट है कांग्रेस पार्टी आपके लिए इस विधानसभा क्षेत्र में? दरअसल कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार है वो पूरे राजस्थान में खनन माफिया है और उसके पास अथाक मसल्स पावर भी है, मनी पावर भी है, सब कुछ है, लेकिन हमें यकीन है जब हम लोगों को सरकार ने उठा के जेलों में डाला था, अमराराम जी सहित राजस्थान के 2,000 किसान नेताओं को सेंट्रल जेल में डाल दिया था, तो यही इलाका था जो अगुवाई कर रहा था, जिसकी माँ बहनें सड़कों पे आ गई और लगातार 24 घंटे सर्दी के मौसम में खुले आसमान के नीचे वो कोई बोट्स में मसल्स पावर या मनी पावर वाले के सामने, मैं समझता हूँ कि यहाँ का किसान अडिगता के साथ आएगा मैदान में और अडिगता के साथ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेगा। तो ये है कि आपके समर्थन में लोग बोल रहे हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी है वो अब भी है, जब हम उनसे बात करते हैं 2019 की तो वो ये कहते हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, उनका ये भी कहना है लोगों का कि ठीक है भाजपा ने बहुत कुछ नहीं किया लेकिन भारत की छवि विदेशों में बड़ी अच्छी हुई है, मतलब लोग फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो नैरेटिव है इसको आप तोड़ नहीं पाए हैं, ये आपको आपका फेल्योर नहीं लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सब जगह नेगेटिव है, जिसने जो भी वायदे किए, चाहे विदेश नीति का वायदा था, चाहे हमारे देश के अंदर कश्मीर की समस्या का था, चाहे मंदिर का, जो भी थे काले धन का था, या फिर हर खाते में 15 लाख आने का था, 2 करोड़ नौकरियां देने का था, स्वामीनाथन का था, समाज का हर तबका, चाहे किसान है चाहे मजदूर है,
चाहे विद्यार्थी है, चाहे महिला है, चाहे नौजवान, समाज का हर तबका, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, हर तबका भारतीय जनता पार्टी की हर नीति को फेल्योर मानता है। ये कोई किसी ने कह दिया है तो वो उसका सबसे बड़ा कारण है। तो आज जो भी टेलीविज़न के चैनल है, अखबार है, मीडिया है, उन पे भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा कब्जा। अभी आपने देखा नहीं, जो कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है उसको वैसे ही देशद्रोही घोषित कर रहे हैं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने इस भाषा का उपयोग किया है जिसकी मैं विवेचना करना उचित नहीं समझता। इसलिए ऐसा कोई नहीं है, मोदी जी फेलियर है, भारतीय जनता पार्टी फेलियर है, और आने वाले चुनाव में चाहे राजस्थान की विधानसभा का चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी। कांग्रेस यहाँ सरकार नहीं बना पाएगी। राजस्थान में आने वाले टाइम में तीसरे मोर्चे की कर्नाटक टाइप सरकार भी बनेगी, और लोकसभा के चुनाव में मैं नहीं जानता कि पूरे देश की क्या स्थिति है, लेकिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी एक भी पार्लियामेंट की सीट जीत करके मोदी से बड़ा कोई चेहरा इनके पास है नहीं। वो चेहरा राजस्थान में फैल है, एक भी सीट राजस्थान से जीत के नहीं जा पाएगी भारतीय जनता पार्टी। ये जाट बाहुल एरिया है, 50% पॉपुलेशन यहाँ पे जाट समुदाय की है। दूसरी बात, ये एग्रीगेरियन सोसाइटी है पूरी तरह से। मुख्यतः यहाँ पे लोगों का जो आजीविका का साधन है वो खेती है। ऐसे वक्त में एक जाट लीडर उभरे हैं हनुमान बेनीवाल के रूप में, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, क्या इससे जाट समुदाय का जो वोट है वो बटेगा और उससे आपको क्या नुकसान होगा? दूसरी बात, जब चुनाव नज़दीक आएगा तो बहुत तरह के वोट्स को कंसोलिडेट करने की बहुत तरह की टैक्टिक अपनाई जाएगी, कास्ट डिवीजन की कोशिश की जाएगी, लोगों को आपस में लड़ाया जाएगा, उसको काउंटर करने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजी है? एक तो ऐसा है, जो कल हनुमान बेनीवाल ने नई पार्टी की घोषणा राजस्थान में की है, मैं समझता हूँ कि ये तीसरे मोर्चे की तरफ एक पहल है। इससे पहले घनश्याम तिवारी ने भी की, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, लोकतांत्रिक वाम मोर्चा जो है, लोकतांत्रिक मोर्चा, उसने बैठ करके भी की, अमराराम को चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार घोषित किया। और इनके अलावा और पार्टियाँ हैं, जैसे आप पार्टी है, जैसे बहुजन समाज पार्टी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में तमाम लोगों को एक जाजम पे बैठाएं, और न केवल कोई एक पर्टिकुलर सीट का सवाल है, पूरे राजस्थान में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की दी सेम आर्थिक नीति है, दी सेम किसान की नीति है, दी सेम विद्यार्थी के शिक्षा नीति है। इसलिए दोनों पार्टियों का सफाया करके आने वाले टाइम में राजस्थान में तीसरे मोर्चे की सरकार स्थापित करें। इसलिए जो वोटों का डिवाइडेशन की आप बात कर रहे हैं, जाट बाहुल्य जातीयता का, हमारे इलाके में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के पास यहाँ खेती करने वाले लोग हैं, और खेती में सिंचाई सिर्फ ट्यूबवेल से होती है, हर कौम के ट्यूबवेल है, और तमाम लोग एक जाजिम पे बैठते हैं। यहाँ जातिवाद का जहर और जातिवाद का असर कम है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ बेनीवाल जी की पार्टी का सवाल है, चाहे घनश्याम जी की पार्टी का सवाल है, वो वार्ताएँ कर रहे हैं हम कि राजस्थान में जो तीसरे मोर्चे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं वो तमाम एक जाजिम पे बैठे हैं, उनको आपस में चुनाव में कहीं फ्रेंडली फाइट भी न करनी पड़े, ऐसा हम प्रयास अभी जारी कर रहे हैं, जिससे आने वाले टाइम में शायद मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होगा, और ऐसा नहीं होगा तो राजस्थान में दोनों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करके तीसरे मोर्चे की सरकार बनाने का काम करेंगे। सर, चूंकि आपने तीसरे मोर्चे की बात की तो हमारा एक और छोटा सा सवाल ये कि जो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट है, कितने सीट्स जीतने की उम्मीद है आपको? अभी हम 30 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि हमने जनता के एक भी MLA नहीं था राजस्थान की विधानसभा में 2013 से लेकर अब तक, उसके बावजूद राजस्थान में जहां भी सरकार ने अन्याय किया है, जुल्म किया है, राजस्थान में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी थी जो जनता की एकता बना करके उन अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, चाहे सिंचाई पानी का सवाल था, चाहे फसल बीमा का सवाल था प्रधानमंत्री फसल बीमा के नाम पर, चाहे बिजली का सवाल था, चाहे कर्जा माफी का, तमाम सवालों पे हमने लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है, जीत हासिल की है, और उसमें किसान की एकता बनाने का काम किया है। इसलिए अभी जो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो लड़ रहे हैं वो तमाम सीटों पे जनता निश्चित तौर पे आने वाले टाइम में कम्युनिस्ट पार्टी को छाती के, जिस तरह से आंदोलनों में कम्युनिस्ट पार्टी के आंदोलनों में जनता की भागीदारी थी, उसी तरह जनता कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों को छाती का लगा करके लड़ने वाले तमाम उम्मीदवारों को जिता के भेजेगी।
सर, इस बिजी स्केड्यूल में मुझे टाइम देने का, न्यूज़क्लिक को वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। पेमा राम जी, जो कि अपनी जीत का और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट की जीत का दावा कर रहे हैं।